गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर द फन दे हैड। द फन दे हैड नाम का जो अपना पहला चैप्टर चल रहा है, द फन दे हैड, उसके बारे में हम चर्चा ही कर रहे हैं, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें हमने कुछ बातें थी जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी, नाइन्थ क्लास है, लेसन नंबर फर्स्ट, दे फन, द फन दे हैड, द फन दे हैड, आनंद जो वे प्राप्त करते थे। इसमें सबसे पहले हमने जब यहाँ से स्टार्ट किया तो जो पढ़ने का जो आनंद था उसको लेकर हमने चर्चाएं करी। तो इसमें स्टार्टिंग इस बात से करी गई कि सबसे पहले मार्जी नाम की जो एक स्टूडेंट है, मार्जी इवन रोट अबाउट है दैट नाइट इन हर डायरी, एक रात को उसने अपनी डायरी में लिखा कि 17 मई 1957 को उसने एक शीर्षक लिखा, एंड टूडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, कि आज टॉमी ने एक वास्तविक एक असली किताब है वो प्राप्त करी है। जब वो इस समय की बातें कर रही थी तो वो लगभग, वो उसके दादाजी ने भी उसको यही बताया था कि उसके दादाजी जब बहुत छोटे थे तो उनको भी ये बताया गया था कि एक समय में किताबें जो है वो कहानियां जो है वो कागज़ पर लिखी हुई होती थी। और ये शीर्षक की जो बातें हम कर रहे हैं वो 17 मई 1957 के संदर्भ में, जो आज से भी आगे जाने के बाद, अभी जैसे कंप्यूटर युग धीरे धीरे शुरू हो रहा है और लगभग हर चीज़ें कंप्यूटराइज हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है, इंटरनेट से बच्चे जुड़ रहे हैं, इंटरनेट से बच्चे सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया है कि आने वाले समय में लगभग ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो समाप्त हो जाएंगे और सब कुछ कंप्यूटर पर ही होने वाला है। तो उन्होंने ये बताया, फिर उन्होंने उस पन्नों को, उस किताब को पलटा तो उसके जो पेज थे वो मुड़े हुए थे, टूटे हुए थे, इस प्रकार से थे, पीले पड़ गए थे, उसमें सलवटें पड़ी हुई थी। वह उन शब्दों को पढ़ने में उसको बड़ा अजीब सा लग रहा था। कंप्यूटर की स्क्रीन पर जब वह शब्दों को पढ़ता है तो उसमें डायनेमिक होती है, उसमें गति होती है, वह घूमते रहते हैं, लेकिन इस बुक में अगर जो किताब वर्ड्स उन्होंने पढ़े हैं वो सारे के सारे में कैसे हैं, वो बिल्कुल उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार एक बार वो लिख दिए गए, वो स्थायी हो गए, वो फिक्स हो गए हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। फिर वह आपस में कन्वर्सेशन करते हैं कि ये किताब किस बारे में है, इसमें क्या लिखा हुआ है, यह आपको कहाँ मिली, तो उसने कहा ये मेरे घर में मिली, ये स्कूल के बारे में है, इसमें स्कूल के बारे में क्या लिखा हुआ है। वो लड़की कहती है कि आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से बड़ी नफरत है। इस तरह उसके बीच में कन्वर्सेशन चलता रहता है और यह आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाता है कि ये जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो बच्ची एग्जाम देती रहती है उसके मार्क्स कम आते हैं, क्योंकि उसका जो लेवल था जियोग्राफी का, जो उसका लेवल था वो बढ़ जाता है, अर्थात वो बड़े लेवल के जियोग्राफिकल सवाल उसमें पुटअप होने लगते हैं और उसका आंसर जो है, उसका रिजल्ट कम आने लगता है। तो उसकी माताजी है वो चिंतित हो जाती है कि ऐसा, तो उन्होंने जो मैकेनिकल इंस्ट्रक्टर होता है उसको बुलाया, तो उन्होंने कहा, उसको ओपन करके चेक करके बताया कि इसका जो लेवल है वो ग्रो अप हो गया था, मैंने उसको 10 ईयर्स यानी 10 साल के लेवल के ऊपर वापस कर दिया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी बच्ची का जो स्कोर है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्कोर चल रहा है, वो बहुत ही कोई कमज़ोर नहीं है, उसकी जो इंटेलेक्चुअल पावर है, उसकी जो मानसिक स्थिति है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। इसके बाद हम, तो इंस्पेक्टर जब आता है तो उसके बाद में क्या घटनाक्रम घटित होता है उस बात को हम देखना चाहते हैं, उस बात पर हम चर्चा करेंगे। जैसे ही इंस्पेक्टर आता है, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड प्लेटेड मार्जिन्स हैड, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर आते ही मुस्कुराता है जब वह घर में प्रवेश करता है छोटे बच्चे की बुक्स वगैरह कंप्यूटर को ठीक करने के लिए। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब एंड प्लेटेड मार्जिन्स हैड, जब उसने उस कंप्यूटर को पूरा खोल करके चेक किया था तो उसको ये लगा था मार्जिन को, अब ये कंप्यूटर, जैसे पहले हिस्ट्री के चक्कर में वो कंप्यूटर खराब हो गया था, 1 महीने तक उसमें डाटा अपलोडिंग चलती रही थी, तो ये सोच रही थी कि अब की बार 1 महीने तक दोबारा ले जाएगा, मैं बिल्कुल फ्री रहूँगी, लेकिन जैसे उसने 1 घंटे में उसको एकदम कम्प्लीटली ओके करके बोला तो वो कह रही है, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जैसे उन्होंने अपना काम समाप्त किया हुआ मुस्कराया, एंड प्लेटेड मार्जिन हैड, प्लेटेड यानी थपथपाना, क्या होता है थपथपाना, तो उसने मार्जिन के सिर को थपथपाया। ही सैड टू हर मदर, ही सैड टू हर मदर, उसने अपने माताजी से कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ही सैड टू हर मदर, उसने उसकी माताजी से कहा, किसने कहा, इंस्पेक्टर ने कहा, इंस्पेक्टर ने कहा किसकी,
उस लड़की की माँ से कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह उस छोटी बच्ची का दोष नहीं है। मिसेज जॉन्स, यह इस छोटी बच्ची का दोष नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। जहाँ पर कंप्यूटर से आप जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो उसका जो लेवल था गियर्ड, यानी उसको कुछ हाई लेवल के ऊपर बांध दिया गया था, उसको हाई लेवल के ऊपर गियर कर दिया गया था, फिक्स कर दिया गया था। तो फिक्स करने से वो क्या हो गया था, उसका जो लेवल जो था बड़ा हो गया था और ज़्यादा हाई क्वालिटी के क्वेश्चन उसके सामने आने लग गए थे। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कई बार ऐसी बात घटित घटनाएं घटित हो जाती है। आई हैव सॉल्व इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल। आई हैव सॉल्व, मैंने इसको ठीक कर दिया है, एंड अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, और मैंने 10 साल के स्तर पर इसको सेट कर दिया है, उसको फिक्स कर दिया है। अब ये अपने पेपर्स का, अपने आंसर्स को सही तरीके से कर पाएगी। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। ओवरऑल यानी संपूर्ण रूप से देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो उसका जो प्रोग्रेस है, उसका जो तरीका है, पैटर्न ऑफ द प्रोग्रेस यानी उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वो संतोषजनक है, वो चिंता वाली नहीं है। एंड ही पैटेड मार्जिन्स हेड अगेन, और उसने फिर एक बार इसका मार्जिन्स का जो सर है वो थपथपाया, पैटेड यानी थपथपाया। कुल मिलाकर क्या कहा उन्होंने, उसकी माँ से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने आपके कंप्यूटर को बिल्कुल ठीक कर दिया है, ये कंप्यूटर में इस काम करने को लेकर उस बच्ची की कोई गलती नहीं थी, ये कंप्यूटर में जो जियोग्राफी का जो सेक्टर है, जो जियोग्राफी फील्ड है, उसको हाई लेवल पर सेट कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये पेपर टप आ रहे थे और ये इसके क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व आउट नहीं कर पा रही थी। अब मैंने उसके लेवल को उसके एज के हिसाब से फिक्स कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, कुल मिलाकर उसका जो प्रोग्रेस रहा है, उसकी जो उन्नति रही है शिक्षा के क्षेत्र में, वो संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जिन हेड अगेन, और उसने मार्जिन के सिर को एक बार पुनः थपथपाया। मार्जिन वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जिन इस बात को लेकर काफी निराश हुई। ही हैड बीन होपिंग दे वुड हैव टेक द टीचर्स अवे फ्रॉम नियर ए मंथ। उन्होंने सोचा कि ये टीचर जो है इस कंप्यूटर को मेरे से एक महीने तक दूर ले जाएगा। ही हैड बीन होपिंग, उसको आशा थी, दे वुड हैव टेक द टीचर अवे फ्रॉम नियर ए मंथ, यानी इसको एक महीने तक मेरे से दूर रखेगा, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। जब इतिहास का जो सेक्टर था, अर्थात कंप्यूटर में जहाँ इतिहास को स्टोर किया गया था, जहाँ इतिहास की बातें करी गई थी, एक बार वो कम्प्लीटली क्या हो गया था, ब्लैंक हो गया था, वहाँ से हट गया था, तो उसको दोबारा रिस्टोर करने के लिए, उसमें हिस्ट्री के डाटा पुनः कंप्यूटर में लोड करने के लिए, जब इंस्पेक्टर जो है मैकेनिकल इंस्पेक्टर जब उस कंप्यूटर को लेके जाता था, उस समय वो एक महीने तक उसमें काम करता रहता, उसके बाद लेके आता, तो अभी भी उसको ये खुशी थी कि इसमें कुछ सही करेगा तो कम से कम एक महीने तक मुझे इस मशीन से दूर रहना पड़ेगा। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड यू एनीवन राइट अबाउट स्कूल्स। टॉमी से कहा कि व्हाई वुड यू एनीवन राइट अबाउट स्कूल, तुम स्कूल्स के बारे में क्यों लिखते हो। Why should you write about school? So इसलिए she said to Tommy, उसने टॉमी से कहा, why would anyone write about school? हर कोई विद्यालय के बारे में क्यों लिखता है, हर कोई विद्यालय के बारे में क्यों लिखता है, स्कूल के बारे में क्यों लिखता है। Tommy looked at her with very superior eyes. टॉमी ने उसको उसकी तरफ देखा विद वेरी सुपीरियर आइज, यानी बड़ी श्रेष्ठता के भाव से टॉमी ने उसकी तरफ देखा। टॉमी लुक्ड एट हर, उसकी तरफ देखा विद वेरी सुपीरियर आइज, बड़ी श्रेष्ठता के भाव से।
अर्थात टोमी ने उसकी तरफ बड़ी श्रेष्ठता के भाव से देखा। बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारे प्रकार के या हमारे जैसे विद्यालय नहीं थे। स्टूपिड मूर्ख, ये उस समय के विद्यालय जो थे, आज के हमारे जो विद्यालय उस तरह के नहीं थे। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर ऑफ एगो, ये उस प्रकार के विद्यालय थे जो हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ईयर्स एगो, जो हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। एंड ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड्स केयरफुली, ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, तो उन्हें बड़ी धीरे से और बड़े उच्चारित करते हुए बोला शताब्दियों पहले, शताब्दियों पहले यानी 100 सालों पहले, उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी बहुत आहत हुई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल्स दे हैड ऑल टाइम्स एगो, मार्जी वाज हर्ट, वो बहुत निराश हुई, वो बहुत आहत हुई। वेल, अच्छा, आई डोंट नो, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि व्हाट काइंड ऑफ स्कूल्स दे हैड ऑल टाइम्स एगो, कि शताब्दियों पहले किस प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे। सी रीड बुक ओवर हिज शोल्डर्स, वह सी रीड बुक्स ओवर हिज शोल्डर्स, वह उसके कंधे के पास में बुक रख करके पढ़ रहा था। फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। देन सेड, फिर उन्होंने कहा एनी वन दे हैड, एनी वे, कोई बात नहीं। दे हैड ए टीचर, उसके पास एक अध्यापक होता था। श्योर, निश्चित रूप से। दे हैड ए टीचर, उनके पास निश्चित रूप से एक अध्यापक होता था। बट इट वॉजंट ए रेगुलर टीचर, और वो एक रेगुलर अध्यापक होता था। एंड इट वॉज ए मैन, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो एक आदमी था, और वो कौन था। ए मैन, क्या एक आदमी हो सकता है। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक इंसान या एक आदमी एक अध्यापक कैसे हो सकता है, एक टीचर कैसे हो सकता है। ये बात चल रही है 17 मई 2157, 17 मई 2157 को, जब कंप्यूटर युग में पढ़ रहे होंगे तो सारे काम कंप्यूटर से ही किए जाएंगे, रोबोट से ही किए जाएंगे। तो उस समय किसी के लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल होगा कि कोई आदमी भी इस तरीके से काम कर सकता था। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, अच्छा, ये उसी प्रकार से जैसे गर्ल्स और बॉयज को काम बताता है, वस्तुओं के बारे में बताता है। एंड गेव देम होमवर्क, और उनको गृह कार्य देता है। एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उन्हें प्रश्न पूछता है, और उन प्रश्न याद करने के लिए बोलता है। ए मैन इज़ इट स्मार्ट इनफ, क्या एक आदमी इतना स्मार्ट हो सकता है, इतना तेज तर्रार हो सकता है। श्योर, क्यों नहीं हो सकता। ही इज, हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, अर्थात मेरे पिताजी को भी उतना ही ज्ञान है जितना मेरे यांत्रिक अध्यापक को, अर्थात जितना कंप्यूटर बताता है उतना मेरे पिताजी भी बताते हैं, तो उनको भी उसके बराबर नॉलेज है, उनको भी उसके बराबर का ज्ञान है। ये जो पैराग्राफ था इसको हम रिवाइज करते देखे। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसकी तरफ बड़े ही श्रेष्ठ भाव से देखा। बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड्स ऑफ स्कूल, ये हमारी तरह के विद्यालय नहीं थे। स्टूपिड मूर्ख, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने इस प्रकार के विद्यालय है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, शताब्दियों पहले, सैकड़ों साल पहले जो विद्यालय होते थे। एंड ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले के विद्यालय, यानी हजार सौ साल पहले किस प्रकार के विद्यालय होते थे। मैं मार्जी वॉज हर्ट, वो बड़ी आहत हुई। वेल आई डोंट नो, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल्स, कि ये किस प्रकार के विद्यालय थे। दे हैड ओल्ड टाइम्स एगो, दे हैड ओल्ड टाइम्स, यानी शताब्दियों पहले किस प्रकार के विद्यालय होते थे। सी रीड बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, वह कुछ समय उसके कंधे पर रख के किताब पढ़ती है। देन सेड, और कहती है, एनीवेज, चलिए। दे हैड ए टीचर, कोई बात नहीं। और तो और उनके पास अध्यापक होता था। श्योर, अध्यापक। दे हैड ए टीचर, उनके पास अध्यापक होता था। बट इट वॉजंट ए रेगुलर टीचर,
और वो कोई इट वॉजेंट ए रेगुलर जो वास्तविक जो आपका मैकेनिकल टीचर होता है उस तरह का नहीं होता, इट वॉज ए मैन, वो एक आदमी होता था। ए मैन, एक आदमी, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वह जैसे अच्छा वह उसी प्रकार लड़के और लड़कियों को काम बताता है, बातें बताता है, वस्तुओं के बारे में जानकारी देता है, एंड गिव देम होमवर्क और उनको गृह कार्य देता है, एंड आस्क देम क्वेश्चंस और उनसे प्रश्न पूछता है। ए मैन इज इट स्मार्ट इनफ, एक व्यक्ति इतना तेज तरार इतना स्मार्ट हो सकता है? श्योर ही इज, हाँ वह बिल्कुल ऐसा है। माई फादर नोज, माई फादर नोज, मेरे पिताजी जानते हैं, एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतने ही ज्ञान वाले हैं जितना कि मेरा टीचर या मेरा मैकेनिकल जो कंप्यूटर है, अर्थात जितनी बातें कंप्यूटर को जानकारी में है उतनी ही बातें मेरे पिताजी को भी है। आगे चल के उनके ऊपर इस पे बहस चलेगी, विचार विमर्श होंगे, वो हम नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ पढ़ेंगे उसके अंदर उसके ऊपर विचार करेंगे। यू कैन रीड इट एंड राइट इट, आप लोग इसको पढ़िएगा, इसको समझिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको जैसे कंप्लीट होते हैं तो इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट करेंगे। तो इसकी जो मीनिंग्स मैंने बीच बीच में बहुत अच्छी मीनिंग्स बताई है, आप उसको सुन सुन करके डायरी में मेंशन करें, वो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे, आई होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड, आप अच्छे इसको समझ पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच। जो बातें हमने अभी करी, टॉमी लुक्ड एट हर विद हर सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसके पास किस तरह श्रेष्ठता के भाव से देखा, एंड बिकॉज इट वॉज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारे तरह के विद्यालय नहीं थे, स्टूपिड दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स, ये ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल यानी ये पुराने जमाने का स्कूल था, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो शताब्दियों पहले सैकड़ों साल पहले होते थे, एंड ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिएशन द वर्ड केयरफुली, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से धीरे से उच्चारित करते बोला सेंचुरी से को शताब्दियों पहले, मार्जिन वोज हार्ट, वो आहत हुई, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल्स दे, वो नहीं जानते कि वो किस प्रकार के उस समय में विद्यालय रहे होंगे, ऑल दैट टाइम एगो, किस सेंचुरी शताब्दियों पहले सैकड़ों सालों पहले किस प्रकार के विद्यालय रहे उसके बारे में वो नहीं जानती। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, वह उसके कंधे के पास किताब पढ़ती है फॉर ए वाइल, कुछ समय के देन सेड, और फिर कहती है एनीवेज कोई बात नहीं, दे हैड ए टीचर, श्योर दे हैड ए टीचर, दे उनके पास एक अध्यापक, श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित ही उनके पास एक अध्यापक था, बट परंतु इट वॉजेंट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वो कोई सामान्य या रेगुलर अध्यापक नहीं था, मैकेनिकल टीचर नहीं था, इट वॉज ए मैन, वो तो एक आदमी था। ए मैन, एक आदमी, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी कैसे अध्यापक हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, कि जिस प्रकार से आपका मैकेनिकल टीचर लड़कों को वस्तुओं के बारे में लड़कों और लड़कियों को बताता है, एंड गिव देम होमवर्क, उनको होमवर्क देता है, एंड आस्क देम क्वेश्चंस, उसी प्रकार से वो भी उनको वस्तुओं के बारे में बताता है, होमवर्क देता है, क्वेश्चन आंसर पूछता है। ए मैन इज इट स्मार्ट इनफ, एक व्यक्ति एक इतना स्मार्ट हो सकता है? श्योर ही, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी को भी इतना ही नॉलेज है जितना मेरे मैकेनिकल अध्यापक को, मैकेनिकल टीचर को या मेरे कंप्यूटर को है। इस प्रकार से हम बाकी जो नेक्स्ट है पैराग्राफ है अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।